नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वीडियो रील्स बनाने की बात पर विवाद करते हुए मारपीट करने वाले एक आरोपी सहित तीन विधि से संघर्षरत किशोर बालक के खिलाफ पामगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई। आरोपी हिमांशु खांडे उम्र 21 वर्ष निवासी पामगढ़ एवं किशोर बालकों द्वारा एक राय होकर प्रार्थी व उसके दोस्तों के साथ किया था मारपीट। आरोपी हिमांशु खांडे उम्र 21 साल को जिला जेल खोखरा जांजगीर एवं विधि से संघर्षरत बालकों को भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा। आरोपी हिमांशु खांडे व किशोर बालकों से घटना में प्रयुक्त डंडा लोहे का पंच व रॉड को जब्त किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राम भरोस सारथी उम्र 22 साल निवासी पकरिया थाना मुलमुला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 9/7/2023 को शाम करीबन 4:30 पर चंडीपारा राइस मिल के पास वीडियो रील्स बनाने की बात कहते हुए आरोपी केशव साहू अपने अन्य साथियों के साथ डंडा लोहे के पंच रॉड व अन्य वस्तुओं के साथ आकर आहत संजय रात्रे व इनके अन्य दोस्तों को मारपीट कर चोट पहुंचाया था कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण घटनाकारित कर घटना दिनांक से फरार थे, जिन्हें मुखबिर सूचना मिलने से आरोपी हिमांशु खांडे उम्र 21 वर्ष निवासी पामगढ़ एवं विधि से संघर्षरत तीन किशोर बालकों को सादी वेशभूषा में पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसमें अन्य साथी केशव साहू गुलाब यादव व अन्य के साथ मिलकर घटना कारित करना बताए हैं, जिसके आधार पर दिनांक 11/7/2023 को घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड पंच डंडा को जब्त किया गया है। आरोपी हिमांशु खांडे के खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया गया एवं तीन किशोर बालकों के खिलाफ भी पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से जेजे एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए सामाजिक पृष्ठभूमि प्रपत्र भरकर माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में आरोपी हिमांशु खांडे को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिला जेल खोखरा जांजगीर एवं तीन विधि से संघर्षरत किशोर बालकों को न्यायिक अभिरक्षा में बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।